की इस रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं खेल खेल में खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाएं, तेल बचाएं। जल है जीवन, आओ सबको ये समझाएं, ये समझाएं। दूजा वादा पेड़ों पर फूल खिलाएं, शुद्ध हवा से दुनिया को महकाएं। एनर्जी देती हमको जीवन, जीवन नहीं गवाना है। एक कसम आज हम उठाते हैं, मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं, संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों, इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं खेल खेल में खेल खेल में। बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ विशाल। और मैं हूँ अनु। और आपका स्वागत है जानकारी और मनोरंजन से भरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। विशाल, क्या कोई भी ऐसा है जो इस बात से इनकार करेगा कि बिजली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब क्या, हमारे जीवन में बिजली की इम्पोर्टेंस नहीं है? अरे नहीं बाबा, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नहीं है जो आपसे डिसएग्री करे। प्लीज। नहीं, मैं मानता हूं कि समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है हमारे पास, सौर ऊर्जा। विशाल, विल यू प्लीज बी सीरियस? तुम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हो? विल यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि हम सूरज से बिजली कैसे बनाएंगे? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रात को सूरज नहीं उगता। ओके? वाह, क्या बात है, पता ही नहीं था आइंस्टाइन के रात को सूरज नहीं उगता। बड़ी सीधी सी बात है, एक्सप्लेन। सोलर पैनल्स के जरिए हम सूरज की धूप को बिजली में बदल के बैटरीज में स्टोर करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल चाहे आप दिन में कर लें या रात में, इट्स योर चॉइस। और साथ ही ये तकनीक बड़ी सीधी सीधी है, आप इसका अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब तो मैं यही कहूंगी कि भाई वाकई तुम्हारा सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अपनाने में ही समझदारी है। नाउ आई थिंक वी शुड इंट्रोड्यूस टू आवर टीम्स। एब्सोल्युटली। सबसे पहले टीम शक्ति, जो आई है आदि चुनचुनागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चिकमंगलूर कर्नाटक से। दूसरी टीम है टीम रक्षक, जो आई है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज दिल्ली से। और इसके साथ ही हमारी वंडरफुल ऑडियंस एंड नॉट टू फॉरगेट हमारी नन्नी मुन्नी प्यारी सी बूंद जो हमें आज स्कोर्स बताएगी। वेलकम वेलकम। तो चलिए साहब, शुभ से शीघ्र सबसे पहले हमारा आज का पहला राउंड जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। दोस्तों, हमारा पहला राउंड कुछ कर दिखाना है एक परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड है जिसमें दोनों टीम्स एक एक करके आपके सामने परफॉर्म करेंगी। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं टीम शक्ति को। उस्ताद, उस्ताद, इस नक्शे के मुताबिक इस बिल्डिंग के चौथे मंजिल के बाथरूम में पानी मिल जाएगा उस्ताद। हाँ, तेरी खबर पक्की है ना चंगा? क्या बात कर रहे उस्ताद, मेरी खबर कभी गलत हो सकती है? देख ले, तेरी एक गलत खबर से हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। ऐसा नहीं होगा उस्ताद। हाँ। है पानी? कहाँ है पानी? कोई मुझे भी बताए भाई, कहाँ है पानी? हम क्यों बताएं? किस बिल्डिंग के चौथे मंजिल में पानी छुपा हुआ है? बेवकूफ, चुप कर। यदि सबको पता चल जाएगा तो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। माफ करना उस्ताद, माफ करना। अरे सुनो रे सुनो, हम जहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं वहाँ ये लोग उसे छुपाए बैठे हैं। हद हो गई इन लोगों की तो। अरे ओ पानी छिपाने वाले, नीचे आ नीचे। क्यों, क्या बात है, क्या कहना है? ओए मुए, जो तूने पानी छिपाया हुआ है उसे नीचे ला नीचे। क्यों, मैंने उस पानी को एक एक बूंद करके बचाया है, आप लोगों की जैसे मैं पानी की बर्बादी नहीं की। बर्बादी? कैसी बर्बादी? क्या पानी का उपयोग करना बर्बादी है? जी हाँ, पानी का उपयोग नहीं, सदुपयोग कीजिए, तभी पानी का बचत हो पाएगी। बात तो तुम पते की कहते हो भाई, हम तो पानी को बेमोल समझकर यूं ही बहा देते हैं। नल का खुला है तो बहने देते हैं पानी को। हाँ, जहाँ एक मग से काम चल जाता हो वहाँ पूरी की पूरी बाल्टी ही फेंक देते हैं। क्यों? इसलिए कि आप समझते हैं कि पानी बेमोल है। मेरे भाई, पानी बेमोल नहीं, अनमोल है। बूंद बूंद हम बचाएंगे,
नई क्रांति हम लाएंगे, पानी है जीवन सा अनमोल, खर्च कीजिए इसे नापतोल। Well, that was really nice. और अब बारी है हमारी टीम रक्षक की। विशाल, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं। टीम रक्षक, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, ना 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 तरसे हाँ मेहरबान कदरदान सिगरेट तमाकू प्रेमियों के लिए मैं चला रहा हूँ। भैया इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं चला रहा हूँ आकर्षक इनाम योजना। आइए सिगरेट का पैकेट खरीदिए और उसके साथ मिल रही इनाम योजना का लाभ उठाइए। आइए भैया। क्यों पहलवान, आज बड़ा चहक रिया है। देखो भैया, तुम लोगन का सामान लेना है तो लो, वरना हमारा टाइम जाया मत करो। हाँ सामान तो अपन लेगा ही तुझसे फ्री में बिड़, लेकिन उससे पहले तू हमें अपनी इस इनामी योजना के बारे में तो बता पहलवान। अरे उस्ताद, उस्ताद क्या पता इसने टीवी और फ्रिज रखा हो इनाम में। सही कह रहा है। देख गुरु, अगर तूने मोटरसाइकिल रखी है तो वो तो मेरे नाम ही निकलनी चाहिए। देखो भैया, आप लोगों में इनाम को लेकर बड़ी उत्सुकता है, तो सुनो सिगरेट तम्बाकू प्रेमियों के लिए पहला पुरस्कार जो है वो है कैंसर। कैंसर पहलवान, अमा ये क्या कह रही है ओ? अरे सुन तो लो अपने पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है कले हुए फेफड़े। ये मारा पापड़ वाले को। उस्ताद ये बक्या रिया है। अरे तनिक तीसरा पुरस्कार तो सुन लो, सिगरेट तंबाकू शौकीनों के लिए तीसरा पुरस्कार है चिपके हुए गाल, और सांत्वना पुरस्कार मिलेगा गंदे और काले दांत। गुरु ये तेरी इनामी योजना है या ऊपर जाने का टिकट? यूं ही समझो प्यारे, पंपर पुरस्कार में तुम्हें मिलेगा मृत्यु लोक का, और हर खरीदी गई पुड़िया पर एक बीमारी मुफ्त। यार तू है बड़ी गुरु चीज, जिस बात को हम सब यहाँ वहां सुनकर अनसुना करते थे, आज वही बात तेरे मुंह से सुनकर मेरा तो सिगरेट फेंकने की इच्छा होती है। पहलवान तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब आप लोग ये बात समझ ही गए हो, तो जरा तनिक और लोगों को भी समझाओ, क्योंकि ये दुकान ज्यादा दिन चलाकर हम घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। नहीं भैया, हमसे ना ही होगा ये काम। अरे उस्ताद, अपन तो गॉड से बस यही प्रे करेगा कि तेरे ये प्राइस किसी को ना मिले। सही कह रहे हो भैया, तो आओ आओ भैया मिलकर करते हैं ये प्रण। आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ, क्या बात होगा। जो कहे बात वो ध्यान से सुनना, ओहा दिल दिमाग सब खोल के सुनना, ओहा जिस तंबाकू ने दिए गंदे दांत, हा ओहा गले फेफड़े सड़ी हुई आंत, हा ओहा तोड़ दो सिगरेट से अपना नाता, हा ओहा सुंदर जीवन फिर नहीं आता, सुंदर जीवन फिर नहीं आता। भैया चेहरे फूलों जैसे है, लेकिन टक्कर कांटे की थी, मानना पड़ेगा। कंपटीशन अच्छा था, ये बात तो मानना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि हम जज नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस जज कर रही है। तो बताइए आप टीम शक्ति को कितने अंक देते हैं? और टीम रक्षक क्या स्कोर है इनके लिए? एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शो हमारी नन्ही मुन्नी स्कोर बूंद हमें बताएंगी कि राउंड वन के स्कोर्स क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 470 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 480 पॉइंट्स। वेल दैट वाज रियली नाइस, कंपटीशन काफी टक्कर का चल रहा है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले हमें आप लोगों को एक अंतराल दे ही देना चाहिए। ब्रेक। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन आयोजित करता है राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता। यदि आप पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के विषय में रखते हैं कोई भी विचार, तो हम देते हैं आपको ये मंच। विषय तथा वर्ग: प्रदूषण तथा इसका हमारी प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव 10वीं तक की कक्षाओं के लिए। संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के लिए। भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। फॉसिल फ्यूल के संरक्षण के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए। तो उठाइए कागज और कलम और प्रस्तुत कीजिए अपने विचार, क्योंकि आपका ये प्रयास आपको दिला सकता है नकद पुरस्कार।
और इतना ही नहीं, राज्य स्तर की 2 सर्वश्रेष्ठ कृतियों को भेजा जाएगा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए, तथा विजेता को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें PCRA संरक्षण भवन, 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, दूरभाष 2618-3054, या लॉग इन करें worldwideweb.pcra.org। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड। एक पंथ दो काज, ये हमारे राउंड का नाम है जी। नहीं, ये हमारे राउंड का नाम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारा ये राउंड इस कहावत पर पूरी तरह से खरा उतरता है। पूछो वो कैसे? बताइए भाई। वो इसी तरह से, क्योंकि इस राउंड में आपको देखने और सुनने के साथ साथ आपकी दिमागी क्षमता को परखने का भी पूरा पूरा मौका मिलेगा। भाई इस राउंड में हम दावा करते हैं दुनिया बदलने का। इस राउंड का नाम है दुनिया बदलने की बात। वेल टीम्स, इस राउंड में हम आपको क्लिपिंग दिखाने वाले हैं। ये हमारा बजर राउंड है, द ओनली बजर राउंड वी हैव, और इस क्लिपिंग पे बेस्ड होंगे हमारे इस राउंड के सवाल। सो गौर से देखिएगा, ये रही क्लिपिंग। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अच्छी फसल हमारी बुनियादी जरूरत, पर अच्छी फसल की पहली शर्त खेत को भली भांति तैयार करना और ठीक समय से बुआई करना है। खेत को बुआई के योग्य तैयार करने की प्रक्रिया को सीड बेड प्रिपरेशन कहा जाता है। ये कार्य किसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पारंपरिक पद्धति में किसान सीड बेड तैयार करने की ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी करते हैं। फसल की कटाई के बाद खेत की सफाई और पुरानी फसल के अवशेषों को हटाने के लिए 4 बार हैरो और 4 बार कल्टीवेटर चलाना पड़ता है। फिर किसान हाथ से बीज की बुआई करता है और खाद को भी हाथ से ही डालता है। ये प्रक्रिया 10 चरणों में पूरी होती है। इस प्रक्रिया में प्रति एकड़ लगभग 60-70 लीटर डीजल की खपत हो जाती है। किसान की मेहनत तो होती ही है, साथ ही लगभग 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय भी लग जाता है। इसके कारण गेहूं की बुआई अक्टूबर की बजाय नवंबर के मध्य में ही जाकर शुरू हो पाती है। इस विलंब के कारण उपज भी प्रभावित होती है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बुआई की नवीन तकनीक विकसित की। इस तकनीक का नाम जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी रखा गया। जीरो टिलेज वो प्रक्रिया है जिसमें नई फसल की बुआई के लिए खेतों में जुताई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तकनीक से पुरानी फसल के अवशेषों को हटाना नहीं पड़ता। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से भूमि में बीज और खाद एक ही साथ डाल दिए जाते हैं। मतलब ये कि 10 चरणों का कार्य अब मात्र एक चरण में ही पूरा कर लिया जाता है। एक हेक्टर क्षेत्र में जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई करने से 2,500 से 3,000 रुपए की बचत सीधे ही हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि अगर हम गेहूं की बुआई करने के लिए 10-12 बार जुताई करें तो हमको 60-70 लीटर डीजल की आवश्यकता होती थी, और जबकि जीरो टिलेज मशीन को जो ट्रैक्टर से हम एक बार में चला करके गेहूं की बुआई करते हैं उसमें केवल 5 से 7 लीटर ही डीजल की आवश्यकता होती है। यानी पारंपरिक पद्धति की तुलना में प्रति एकड़ 55 लीटर डीजल की बचत। ट्रैक्टर में हैरो की जगह अब जीरो टिल सीड फर्टी ड्रिल को जोड़ दिया जाता है। इस ड्रिल में चाकूनुमा ब्लेड्स अर्थात फाले लगे होते हैं। ये ब्लेड्स 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 इंच गहरी पट्टी बनाते हैं। इससे फायदा ये कि सिंचाई के समय पानी भी बहुत कम लगता है। फर्टी ड्रिल में 2 अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, एक में बीज रखे जाते हैं और दूसरे में खाद। फर्टी ड्रिल के बीचों बीच एक ड्राइव व्हील होता है। ट्रैक्टर के चलने पर ये ड्राइव व्हील मिट्टी के संपर्क में आते ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही ड्राइव व्हील घूमने लगता है, बक्सों में रखे बीज और खाद दोनों साथ ही साथ नीचे गिरने लगते हैं। बीज और खाद नीचे लगे पाइपों के माध्यम से भूमि में मरी पट्टियों में डाल दिए जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जो किसान कड़ी धूप में पैदल चलकर बीज और खाद का छिड़काव करता था, अब उसकी सुविधा के लिए ट्रैक्टर की शानदार सवारी हाजिर है। फर्टी ड्रिल के पीछे एक लकड़ी का पट्टा लगा होता है जिस पर बैठकर अब किसान केवल इस बात का ध्यान रखता है कि बीज और खाद संतुलित मात्रा में गिर रहे हैं या नहीं। गत 5 वर्षों से 100 एकड़ जमीन पर
जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे करनाल के किसान साहब सिंह कहते हैं, इसमें जिम्मेदार को फायदे बहुत हैं जी। सबसे एक तो फायदा है टाइम का जी, एक इसमें पर एकड़ 1400-1500 रुपए एकड़ का खर्चा बचता है जी, खरपतवार बहुत कम होते हैं और पानी की बचत भी है जिसमें। जीरो टिल सीड 40 ड्रिल का मूल्य इस समय लगभग 16,000 रुपए है। हमारे देश में लगभग 265 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान और गेहूं की खेती होती है। यदि इसकी आधी जमीन यानी 130 लाख हेक्टेयर भूमि पर भी जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत के आधार पर 3250 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। हमको 5-6 साल लग जाए, 100 एकड़ करते हैं, हमारे को 1-1.5 लाख का एक बार में फायदा होता है जी। हम बहुत खुश हैं, हमारे को पैसा बहुत बच रहा है। निश्चित ही ये तकनीक देश में कृषि और किसान के लिए वरदान साबित होगी। Well, teams, इसी क्लिपिंग पे हम आपको सवाल पूछने वाले हैं। आपको मैं नियमों से परिचित करा दूं। सबसे पहले हर सही जवाब को मिलेंगे 100 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो प्लीज ट्राई। लेकिन देयर इज वन कैच, जब तक सवाल खत्म नहीं होता डोंट हिट द बजर। इफ यू डू सो यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर दैट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज पास्ड ऑन टू द अदर टीम। आर यू ऑल सेट? तैयार हैं आप? शुरू करें। ऑल द बेस्ट, हियर वी गो। परंपरागत पद्धति में सीड बेड प्रिपरेशन के दौरान किसानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रक्षक, तीन प्रकार की परेशानी होती है। एक तो 60-70 लीटर डीजल फूकता है, उनको टाइम भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगता है, 10-15 दिन लग जाते हैं। और जो मिक्सिंग होती है वो हमेशा कई कभी ज़्यादा संतुलित नहीं हो पाती है। और उपज जो बीज होते हैं वो उनकी उपज भी मतलब प्रभावित होती है। ओके, वेल टीम रक्षक, आप काफी नजदीक थे सही जवाब के। हम आपको बता देते हैं एग्जैक्ट आंसर था कि परंपरागत पद्धति में सीड बेड प्रिपरेशन कई चरणों में पूरी होती है, जिसके कारण डीजल की अधिक खपत होती है, किसान की मेहनत बढ़ जाती है और अगली फसल यानी गेहूं की बुआई में विलंब होता है। दैट वाज द एग्जैक्ट आंसर वी वर लुकिंग एट। बट चलो आपको 90 नहीं 100 पूरे अंक, पूरे 100 देते हैं, राइट? गुड। चलिए सवाल नंबर 2, टीम शक्ति आप तैयार हैं? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सवाल है, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी की कार्य प्रणाली क्या है? ओकी डोकी, नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर मोमेंट्स। ऐसा बहुत कम होता है जब दोनों टीम्स में टाई हो जाता है। इट्स अ टाई गाइस। तो फिर अब एक एक करके जाते हैं, देखते हैं कौन क्या जवाब दे रहा है। तो क्या कहती है आपकी टीम? वेल, हमारी तो पूरी टीम ने एक्सप्लेन ही कर दिया कि जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या कहती है। एग्जैक्टली सेम इज विद मी एंड आई थिंक दोनों टीम्स ऑलमोस्ट सही पहुंच गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100 पॉइंट्स दोनों टीम के लिए। वेल, हम आपको इसका सही जवाब देते हैं, जो जवाब हम देख रहे थे आपने दे दिया है, बट स्टिल। और ब्रीफ में, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी वो प्रक्रिया है जिसमें नई फसल की बुआई के लिए खेतों में जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तकनीक में पुरानी फसल के अवशेषों को हटाए बगैर भूमि में बीज और खाद एक साथ ही डाल दिए जाते हैं। और अब हम आ गए हमारे इस राउंड के लास्ट क्वेश्चन पर। हैंड्स ऑन बजर, ध्यान से सुनिए। द क्वेश्चन इज, इस तकनीक के उपयोग से प्रति एकड़ कितने डीजल की बचत होती है? 55 लीटर की बचत। इट इज अ राइट आंसर। इस राउंड के स्कोर्स क्या हुए ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं बूंद के पास। शक्ति टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स। लेट्स टेक द कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कमाल हो गया, यूरेका यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगोकर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। चुप, मैं PhD कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं? लेकिन ये फार्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। मेरी दादी ने मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब उसे साइंस नहीं आती थी। साइंस तो आपको भी नहीं आती। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। धन्यवाद बचाओ जी।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी राउंड में, जिसका नाम है देखो मगर ध्यान से। इस राउंड में हम आपको अलग अलग टॉपिक्स पर 6 क्लिपिंग्स दिखाएंगे, जिसमें से 3 क्लिपिंग्स होंगी सही व्यवहार यानी राइट एक्शंस की और दूसरी 3 क्लिपिंग्स होंगी गलत व्यवहार की। ऑलराइट, तो इस क्लिपिंग को बहुत गौर से देखिए क्योंकि इसी में से आप देखकर बताएंगे। फिलहाल आइए देखते हैं क्लिपिंग। शक्ति, हम पहले आपके पास आते हैं और आप हमें बताइए कि इस पूरे क्लिपिंग में आपने कौन से रॉन्ग एक्शंस देखे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो टैबलेट्स, दवाइयाँ जो कि केमिकल्स हैं, उनको अलग फेंकना चाहिए, जो कि उस लेडी ने नहीं किया। उसने शी थ्रोड इट विद द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और जो दूसरा पॉइंट है वो आदमी ने पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बॉटल विदाउट क्रशिंग डस्टबिन में डाली, विच शुड बी क्रश्ड आफ्टर यू यूज इट। एंड जो तीसरा पॉइंट है द ब्लैक पॉलीथीन जो कि डायरेक्टली डस्टबिन में फेंका गया, अगेन मिक्सिंग इट विद बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, तो उसका सेफ डिस्पोजल होना सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड। टीम रक्षक, अब आप ट्राई करें, आप बताएं कि कौन से सही व्यवहार आपने देखे। पहले तो उस लेडी ने बैटरी सही तरह से डिस्पोज नहीं की, और अगर बैटरी डिस्पोज की, उन्होंने डिस्पोज की लेकिन क्योंकि ड्राई बैटरी से केमिकल लीक हो जाते हैं। अच्छा, और ये एक ही पॉइंट था जी। दूसरा ये था कि दो अलग अलग डस्टबिन रखे गए थे, जिसमें जो हमारे वेजिटेबल्स थे उसको बायोडिग्रेडेबल में डाला गया और जो पॉलीबैग था उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाला गया, मतलब दो अलग अलग डस्टबिन थे। ठीक है, दो ही पॉइंट थे। तीसरा जो हमारे, जब हमारी ये गृहिणी ने वो कबाड़ी वाले को जब दिया तो उन्होंने प्लास्टिक और कांच की बोतलें अलग अलग की, क्योंकि प्लास्टिक जो है रिसाइकलेबल हो सकती है पर कांच नहीं हो पाता है। वेल, ये जवाब लगभग सही था। आपकी इतला के लिए बताते हैं कि शीशा भी रिसाइकलेबल है, रिसाइकल होता है, वो सही व्यवहार में आता है। आपने टीम शक्ति बिल्कुल सही जवाब दिया, आप दोनों को मिलते हैं 100-100 अंक। इस राउंड के स्कोर्स क्या हुए ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं बूंद के पास। शक्ति टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। वेल, तो ये राउंड हुआ खत्म, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक छोटी सी बात। यूं लगातार पेड़ों का कटना देख मैंने अपने दोस्त के जन्मदिन पर लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन मास्क उपहार में दिया तो तमक कर बोला, शर्मा जी यूं तो जिंदगी में कुछ लाए नहीं, जब लाए तो ये क्या उठा कर लाए। मैंने कहा, दोस्त तेरी जिंदगी बचाने के लिए ये सब लाया हूँ। पेड़ों की लगातार कटाई के कारण जब हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी ना बाढ़ रुकेगी, तो ये दो चीज़ें ही आगे काम आएंगी। या तो हम आज ही से पेड़ लगाएं, सुरक्षा पाएं का मंत्र अपनाएं, या फिर लाइफ जैकेट पहनने और ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए तैयार हो जाएं। सो भाइयों, खूब पेड़ लगाओ और आने वाले कहर से दुनिया को और खुद को बचाओ। और छोटी सी बात के बाद अब वक्त हो चला है संरक्षण समाचार का। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में यह आंकड़ा $70 प्रति बैरल को भी पार कर गया। इसे देखते हुए तेल के आयात पर निर्भर भारत जैसे देश के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो तत्काल ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तलाश करे। इस दिशा में जर्मनी में अब परंपरागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में व्यापक पैमाने पर बायोडीजल का उपयोग किया जाने लगा है। जर्मनी की अनेक कंपनियां अब ऐसी कारें बनाने लगी हैं जो पूरी तरह बायोडीजल से चलती हैं। भारत में भी धीरे धीरे बायोडीजल बनाने का काम जोर पकड़ रहा है।
भारत में बायोडीजल जेट्रोफा से बनाया जाता है। जेट्रोफा के साथ ही अब नीम, करंज, हिरदा और महुआ आदि के तेल से भी बायोडीजल बनाने पर विचार किया जा रहा है। और अब वक्त आ गया है फाइनल स्कोर का। सभी में एक्साइटमेंट है ये जानने के लिए कि आज के रिजल्ट्स क्या रहे। क्यों विशाल? Absolutely, I can see the faces, man. Okay, तो चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए कि आज के फाइनल स्कोर्स क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 770 पॉइंट और रक्षक टीम को मिलते हैं 780 पॉइंट। टीम रक्षक, कांग्रेचुलेशंस यू आर द विनर। एंड टीम शक्ति, कीप इट अप, गुड वर्क। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं HPCL की तरफ से ये आकर्षक उपहार। वेल, तो अब मुखातिब होते हैं हमारे उन दोस्तों से जो अपने घरों में टेलीविजन सेट्स के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आपके लिए हमारा आज का सवाल है, HPCL के विज्ञापनों में लुब्रिकेंट्स को कौन प्रमोट करता है? आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन, जहीर खान या लिएंडर पेस। आपके जवाब हमें एक सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। आप हमें 9811771717 पर SMS भी कर सकते हैं। सही जवाब भेजकर आप जीत सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इनाम। इस बार का इनामी पत्र हमें भेजा है जिला भोजपुर बिहार से रोहित भूषण ने। रोहित जी लिखते हैं कि कार्यक्रम से प्रेरणा पाकर मैंने अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में तेल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं जल संरक्षण की सीख को अपनाया है। कार्यक्रम से बच्चों में जो ऊर्जा संरक्षण के प्रति चेतना उत्पन्न की जा रही है वो प्रशंसनीय है। रोहित जी, हमारी बताई बातों को अपनाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे एपिसोड नंबर 102 के सवाल का सही जवाब है 3 दिसंबर। सही जवाब भेजकर PCRA की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं जयश्री एच शाह जामनगर से, एस बालाराम हैदराबाद से ईमेल द्वारा, नीरज सबरवाल चंडीगढ़ से SMS द्वारा, सुभाष एस सतारा से, झुपा देवी नई दिल्ली से ईमेल द्वारा, भावना वर्मा जालंधर कैंट से, योगेश विलिंकर गोवा से SMS द्वारा, श्रीमती बीना कौशिक मुजफ्फरनगर से, वंदना केशरी जमशेदपुर से ईमेल द्वारा, सुष्मिता मोंडल अरारिया से, संदीप राठी सोनीपत से SMS द्वारा, मनीष कुमार चौधरी गोंडा से, पायल दिल्ली से। आप सभी को पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, इस एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट से भरे एपिसोड के खत्म होने की घड़ी आ चुकी है। अलविदा कहने से पहले हम अपने इस वादे को दोहरा दें कि संरक्षण कंजर्वेशन की मुहिम यूं ही जारी रहेगी बदस्तूर। अगले हफ्ते आपसे होती है मुलाकात, तब तक लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।